वीआईपी प्रमुख सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी के निर्देशानुसार प्रदेश प्रभारी झारखंड श्री चंदन सहनी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजकुमार जी प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे इस रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव जो होने वाला है उसमें वीआईपी पार्टी के महामंत्री श्री चरण केवट जी को प्रत्याशी घोषित खुले मंच से दुलमी की बैठक में, गोला की बैठक में, रामगढ़ की बैठक में खुले मंच से किया था कि वीआईपी का प्रत्याशी इस रामगढ़ विधान उपसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी चरण केवट होगा। लेकिन हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ काफी काम किए। 6 तारीख को जब नॉमिनेशन का टाइम आया तो मुकेश सहनी जी के द्वारा स्पष्ट यह निर्देश आया कि हमारा गठबंधन किसी अन्य दल से हो गया है, मैं यहाँ पर प्रत्याशी अपने सैंबुल पर नहीं उतारने सकूंगा, जिसके कारण इस क्षेत्र में ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं एवं वोटरों में काफी रोष देखा जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर मैं अपने वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, क्योंकि मुकेश सहनी के द्वारा यहां पर भोले भाले जनताओं को ठगने का काम किया जा रहा है। आगे हम लोग मुकेश सहनी जी को जिस प्रकार बिहार से झारखंड आए थे, हम लोग उसी ट्रेन से उसको बैक करेंगे। वह बिहार झारखंड से बिहार जाएंगे और हम लोग यहां पर एक नया पार्टी का गठन। क्या कह सकते हैं कि आपका जो प्रत्याशी चरण केवट जी थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ना, निर्दलीय चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं है सर। निर्दलीय चुनाव लड़ना मतलब पहाड़ से कूदने के बराबर है।